नए साल का जश्न मनाने के लिए कई फिल्मी सितारे राजस्थान पहुंच चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट अपने परिवार के साथ सवाई माधोपुर पहुंची हैं। आलिया के साथ रणबीर कपूर और उनकी मां नीतू कपूर भी सवाई माधोपुर पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और रणबीर कपूर के साथ आलिया की सगाई के लिए ही कपूर और भट्ट परिवार के लोग सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। इस सगाई में शामिल होने के लिए रणबीर कपूर और आलिया के खास दोस्त रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता रणबीर कपूर अपने परिजनों के साथ जयपुर से सड़क मार्ग होते हुए सवाई माधोपुर के रणथंबोर पहुंचे, जहां वो एक 5-स्टार होटल में रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि आलिया और रणबीर कपूर की सगाई की खबर को अब तक उनके परिवार वालों की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन दोनों परिवारों का एक साथ सवाई माधोपुर पहुंचना इस बात का संकेत है कि दोनों सगाई करने ही आए थे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ उनके परिजन भी रणथंभौर में ही नए साल का जश्न भी मना रहे हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आलिया और रणबीर कपूर रणथंभौर में ही अपने विवाह समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। रणथंभौर रोड के जिस 5-स्टार होटल में ये फिल्मी सितारे रुके हुए हैं, वो दुनिया का जाना माना वेडिंग डेस्टिनेशन माना जा रहा है। इस होटल में पहले भी पॉप सिंगर कैटी पेरी और रसेल ब्रांड की शादी भी हो चुकी है, तभी से ये होटल बड़ी हस्तियों की महंगी शादी के लिए महफूज जगह मानी जाती है। आपको बता दें कि उद्योगपति अनिल अंबानी दीपावली के मौके पर सवाई माधोपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क की सैर की थी। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ 3-4 दिन तक इसी होटल में रुका था। तब से ये होटल फिल्मी सितारों और बड़ी हस्तियों की पहली पसंद बन चुका है। राजस्थान तक के लिए सवाई माधोपुर से सुनील जोशी की रिपोर्ट।